हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रियलमी 8 5G और रियलमी 8 एंड 8 प्रो के अंदर हम कैसे अपने ऐप्स को हाइड कर सकते हैं और उनको हम कैसे अनहाइड करके यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मैं टेरिस पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि रूम के अंदर तो बहुत गर्मी है गाइस। तो चलिए पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद गाइज, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइवेसी का। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आपको जो प्राइवेसी वाला सेक्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हाइड ऐप्स का। ये जो सेक्शन है आपको अब अलग देखने को मिलेगा, पहले आपको ये ऐप लॉक के अंदर देखने को मिलता था। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना होगा, अगर आपने सेट करके रखा है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको यहाँ पे सेट करने के लिए बोलेगा। तो हमने यहाँ पे अपना डाल के रखा है, तो हम यहाँ पे इसको कन्फर्म करा देते हैं। कन्फर्म कराने के लिए यहाँ पे हाइड ऐप्स आपके सामने ओपन होकर रखे हैं सारे के सारे। इनमें से आप किसी पे भी क्लिक करके उसको हाइड कर सकते हैं। तो गाइज़, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा सेट एक्सेस कोड। ये एक्सेस कोड क्या होता है गाइज़? ये जो एक्सेस कोड होता है, इसको समझने के लिए आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको एक एक्सेस कोड सेट करना है जो कि हैज से स्टार्ट होना चाहिए और 4 डिजिट के बाद आपको फिर हैज लगा देना है। इसी प्रकार आप इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइज, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप इसको अपने डायल पैड के अंदर डायल करेंगे तब आप इनको शो कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं इसको डन करता हूँ। तो गाइज, अब गाइज यहाँ पे हम इजी तरीके से हमारे जो ऐप्स हैं वो हाइड हो चुके हैं जो मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे मैं अब एक मान लो सपोज करो कि गाइज यहाँ से हम किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहेंगे यूट्यूब के अलावा, तो यहाँ पे अमेजोन शॉपिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप जितने भी एप्लीकेशन चाहें यहाँ से आप क्लिक करके उनको हाइड कर सकते हैं। तो सिंपल सिंपल क्लिक के मैं यहाँ पे उनको हाइड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप टू डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे गाइज आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपके लिए। जैसे गाइज यहाँ पे आपको चेंज एक्सेस कोड, अगर आप एक्सेस कोड बदलना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये कुछ इस प्रकार से हमने 3 ऐप्स को अपना सेलेक्ट करके हाइड कर दिया है और अभी हमारे ऐप्स हाइड हो चुके हैं। देखने के लिए आप यहाँ पे आके एक बार देख लें, आपको कहीं से कहीं तक कोई भी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता। डायलर में जाना है आपको और यहाँ पे आपको वही आपका एक्सेस कोड सेट करना है जो आपने वहाँ पे सेट किया था। तो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं और ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके ऐप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसी तरीके से किसी पे भी क्लिक करके आप इनको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक करा और ये ओपन हो गया। अब गाइस, इनको अगर आप अनहाइड करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे यूट्यूब तो आपको यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कम्प्लीट हाइड हो जाता है आपका। ओके गाइस, पहले क्या रहता था कि यहाँ पे हम सर्च करते थे तो हमारा सर्च में आ जाता था। इसको अगर अनहाइड करना है तो उसके लिए आपको गाइस सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा। चलिए हम सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और इनको अनहाइड कर देते हैं। हम सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं सिंपल सा। यहाँ पे हम हाइड ऐप्स पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, देन यहाँ से अगर हमको जो भी एप्लीकेशन अनहाइड करना है उसको हम यहाँ से अनहाइड पे क्लिक कर देंगे और ये अनहाइड हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे।